आसाम में 2000 से 2001 के आसपास, उसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी आउट ऑफ आसाम, तो अच्छी बात है। ऐसी बहुत फीलिंग आई, हाँ, क्योंकि वहाँ का इतना पता नहीं चला हम लोगों को, कई लोगों को, तो उनके लिए ये फिल्म देखनी चाहिए तो समझ आएगी कि क्या क्या हो चुका है। टेररिज्म किधर भी अच्छा नहीं है, वो उसके लिए फिल्म बनी है। कलाकारों ने बड़ा अच्छा काम किया है, सब कलाकारों ने, डायरेक्शन भी अच्छी है और फिल्म अच्छी बननी है। एक संगीत गाने, एक दो गाने अच्छे हैं, मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। Yeah, so I love the movie. It was really nice, very well written, very well acted. It was जो दिखाना था वो एकदम बहुत अच्छे से दिखाया. It was really nice. Yeah, definitely, definitely. I would say it was really heartfelt. Yeah. Definitely, it should. Yes, yes, definitely. I would like to give 4.5. Yeah, thank you. बहुत ही बढ़िया लगी फिल्म। ये ये हमारे देश की ऐसी हिस्ट्री है जो कभी किसी के सामने आती नहीं है। ये ऐसी फिल्में ही जो हैं जो इनको आगे लाके आपको दिखाती है सच्चाई क्या है, कैसे, कौन से प्रदेश में। दिस इज़ अ सेकेंड काइंड ऑफ फिल्म विच आई हैव सीन विच एक्चुअली शोइंग द ट्रूथ। हमको इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो शुड सपोर्ट सच फिल्म विद सम काइंड ऑफ अ सब्सिडी और सम काइंड ऑफ अ दिस। नहीं, वो पार्ट तो ऐसा है ना कि जिसके अंदर एक बच्चा बेचारा पढ़ने की कोशिश कर रहा है इंजीनियरिंग, और आज उसकी पूरी फैमिली वाइप आउट होने की वजह से ही हैज़ टू टर्न टू मिलिटेंसी। उसके पास और चॉइस क्या है, और ये काफ़ी लोगों के ऐसे साथ हुआ है, तो इट्स अ ट्रुथ विच हैज़ टू बी शोन। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द राइट, दिस इट विल नॉट वर्क। द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ यू नो मूवीज so that they can come out in the open and the truth is prevailing. This is a 5-star movie, that's all you can say. Thank you, bye-bye. It laga mujhe jo reality hai, and it's a very grim reality. Shadows, it's a very apt name for it, that the culprits jo hain wo unhe hum culprits bhi nahi keh sakte, basically wo khud usse nikle hue lachar log jo hathiyar haath mein utha lete hain. And I feel that it is a very, very sad reality where system and everybody from politicians and everybody has to actually take a step ahead, you know. Isme kaun kya kar raha hai ek dusre pe ye lagane ka ki isme sab kuch jude hue hain aur sari politics hai. Solutions to har cheez ke nikalte hain mujhe lagta hai. So I think it's a way ahead ki itna सेंसिटिव इशू लिया गया है पर इसकी लाइफ के सॉल्यूशंस भी निकले, तब मज़ा है। अच्छी लगी है क्या बुरी लगी ये मायने नहीं रखता। एक गट्स होना चाहिए ऐसी फिल्में बनाने का, और ऐसी फिल्म बनाने के बाद जो फिल्म आपको सोने नहीं देती या जो फिल्म आपको सोचने पे मजबूर करती है, उनमें से ये एक फिल्म है। फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती है, फिल्म अच्छी या बुरी होती है। कोई मीन्स कई ऐसे फिल्में होती है जो बहुत अच्छी होती है लेकिन हम उसको देखते नहीं, उसको सराहते नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करते। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप सब लोग इस फिल्म को देखिए, अच्छी फिल्में बननी चाहिए, समाज में जो परिवर्तन लाने वाली जो फिल्में होती हैं उनको हमें देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आई एम वेरी मच हैप्पी, और मैं मीन्स मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी फिल्म मुझे देखने को मिली है। शायद इस सो कॉल्ड ग्लैमरस एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये फिल्में शायद मुझसे छूट जाती तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। लेकिन आई एम थैंक्स टू एवरीवन कि ऐसी फिल्में बनाते हैं, हमें बुलाते हैं, दिखाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं कि ऐसा कुछ बनाने के लिए हमें मजबूर, हमें इंस्पायर करती है। सो आप सब लोग इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए। आई एम गोइंग टू ट्वीट, मैं जितना हो सके मेरे सर्कल में जो है इस फिल्म के बारे में बोलूँगा और लोगों को इंसिस्ट करूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखे। थैंक यू सच में। इट्स नॉट अबाउट 5 or 6 or 7, एज आई सेड कि दिस इज़ अ डिस्टर्बिंग फिल्म। मैं मीन्स उसके कोई मायने नहीं है, मीन्स मैं तो बोलूँगा कि 5 में से मैं 10 देने की कोशिश बात करूँगा। सच अ नाइस, सच अ गुड फिल्म एंड सच अ नाइस परफॉर्मेंस बाय एवरीवन।
डायरेक्टर तो बहुत बड़े महान है, दो बार नेशनल अवार्ड विनर है, लेकिन एक जिगरा होना चाहिए कि जब आपको दो नेशनल अवार्ड मिलते हैं तो सब लोग बड़े स्टार्स के पीछे भागते हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस के पीछे भागते हैं कि मुझे अब बड़ी फिल्म बनानी है, मुझे ग्लैमरस दुनिया में आना है। लेकिन ये असली डायरेक्टर्स हैं जो सिनेमा बनाते हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं तो कुछ कहने के लिए फिल्में बनाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द स्टार्स, इट्स रियली पैशन, मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ। थैंक यू। पिक्चर तो बहुत अच्छी थी, रियल टच थी, मेरे को डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट हाफ तो मालूम ही नहीं पड़ा पिक्चर कैसे शुरू हुई और इंटरवल हो गया। सेकंड हाफ थोड़ा लेंदी था थोड़ा, मगर पिक्चर बहुत अच्छी है, लोगों को देखनी चाहिए। और लोग ऐसी पिक्चर देखेंगे तो ऐसी पिक्चर और बनेगी, और लोग मतलब ग्लैमर के पीछे भागते हैं, मगर ऐसी पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। मैं खुद देख के बहुत हैरान रह गया कि ऐसी, मतलब नाम देख के तो नहीं आता था, अब तो पिक्चर देख के मेरे को अच्छा लगा। अभी लोगों को बोलूँगा आने के लिए, और लोग आएंगे पिक्चर देखने के लिए, जो अपने ग्रुप है सब दोस्तों यार को बोलूँगा पिक्चर देखने के लिए। और इसी तरह लोग माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी होगी, 5 में से 3.5। मुझे मूवी बहुत ही टचिंग लगी बिकॉज आई एम फ्रॉम असम, और उस पीरियड में मैं पली बड़ी हुई हूँ वहाँ पे, और ये हुआ था, हम सब इसके एक पार्ट है। मे बी मेरी फैमिली में कोई नहीं था, बट एवरीबॉडी समहाउ इट हैज़ टच्ड आवर लाइव्स, एंड दिस इज़ व्हाट इट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड दिस फिल्म शोड इट विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स आई वुड से, एंड आई रियली लव्ड इट। एंड I hope people in Assam or everywhere in any other part of India also should see it and actually see it what happened exactly in Assam. So thank you. Exactly, it did happen that way. That's what I said, without mincing any words, it showed what exactly had happened. So 5. Thank you. काफी अच्छी फिल्म थी, और एक चीज़ नज़र आए कि इस फिल्म में मुझे यथार्थ और सच दिखा और आसान दिखा, जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया, और वहाँ के जो आर्टिस्ट जो टोन उन्होंने पकड़ा था, मुझे नहीं लग रहा था कि काफ़ी बाहर के लोग होंगे, लेकिन उनकी जो टोन थी, जिस तरीके से खाना पीना दिखाया जा रहा था, तो लग रहा था कि हाँ एक आसाम को हम लोग देख रहे हैं, और आसाम में जो हुआ है सच्चाई है। लेकिन हम लोग काफ़ी उस चीज़ से अवेयर नहीं थे, हम लोग क्या है अगर एज ए पब्लिक हम लोग टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, चलो ठीक है उससे ज़्यादा। लेकिन सर ने आगे आके इस मुद्दे को उठाया और फिल्म बनाया, ये अपने आप में काफ़ी चीज़ बयां करती है। देखिए इंसिडेंट का जस्टिस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ों को सच्चाई लाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और जो लोग इस दुनिया में अब है नहीं, अब जिन तो उनके साथ क्या जस्टिस हो सकता है, उन्होंने तो अपना हाँ ये चीज़ हम जैसे आप कश्मीर फाइल्स को ले लो, अब जो लोग गए हैं वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ हमारे तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि जी हम उन सच्चाई को लेकर आएँ और जनता तक लेकर आएँ। पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ सच्चाई लाना अपने आप में एक बड़ी बात है, और मैं एक प्रोड्यूसर को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरीके से डायरेक्शन किया गया है, मैं काफ़ी अच्छा लगा। और जिस तरीके से हर कलाकार ने अपनी भूमिका निभाई है वो लिटरली बता रहा हूँ काबिले तारीफ़ है, जैसे आकाश सर हैं, अनुराग सर, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। हर एक छोटे छोटे करेक्टर में भी जिस तरीके से वो जान मतलब डाला है स्पेस में, मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, नाइसली टोल्ड, दैट्स ऑल आई वुड से, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, people should watch it. I'm personally biased, I'll give 6 out of 5 if I could, but it's a very nice film. Yeah, it's very nicely made. Thank you. Okay sir, aapne film dekhi, aap kaisi lagi? Bahut achhi lagi film mujhe, aur ek performance bahut acha hai, direction acha hai, screenplay acha hai, aur Assam ka jo problem tha uske bare mein pata chalta hai, ek acha perspective mila usse. काफ़ी हद तक बताया गया है कि किस तरह से हुआ क्या हुआ, सजेस्टिवली काफ़ी ठीक से बताया गया। मैं 4 स्टार देना चाहूँगा।